इस बार ना भाई पूरा पूरा टायर चला गया पानी में, पूरा टायर। धीरज कम ऑन, शाबाश यार, बहुत खराब रास्ता है भाई, आगे भी ऐसी है क्या? ओ भाई साहब, अरे मेरे ऊपर आ रहा है। चलो चलो, अरे अरे ना बजा हमने में। हेलो गाइस, अरे नंगे नंगे खड़े यार तुम तो। देखो ये भाई साहब, ज्यादा गहरा तो नहीं कोई हमको। ये भाई यहाँ का तीरथ है। हेलो दोस्तों, मेरी हालत देख लो, मैं सुअर बन गया हूँ। वाह वाह, तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, गांव के कुछ बच्चे प्यारे प्यारे खड़े हैं, ये पार्ट टू एक तरीके से। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? धोबिया आश्रम। गाइस मेरे बाल देखिए आप, कि सो गए थे ना एक घंटे के लिए तो ऐसे बाल हो गए। आगे अब लेकी ये भाई, धीरज का भाई, धीरज का डॉगी आगे अब लेकी। ब्लैकी बाइक देखो कितनी प्यारी लग रही है, मेरी बाइक कितनी प्यारी बाइक लग रही है। ये क्या बंदर, बंदर मंकी बंदर बंदर आगे भाई बंदर। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं धोबिया आश्रम, और आप लोगों को ना बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं जंगल जंगल वाले। और वैसे भी जंगल जाना हम लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ा हम लोग वाइल्ड किस्म के हैं ना थोड़े। मेरे तो बाल भी वाइल्ड टाइप के भाई, कितनी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, काई वाई लगी ना चक्कर में, थोड़ी दिक्कत हो रही है। आ जाओ ब्लैकी, तुम घर जाओ चलो ठीक है, क्योंकि चार लोग अलाउ नहीं है बाइक पे। इतनी खतरनाक जगह पर ऐसे धीरज, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, कैमरे में बोलो ना। भाई मैं कहना ये चाहूँगा कि मैं काफ़ी मैं सोच रहा हूँ कि ये चेंज हो जाऊँ यहाँ से, मतलब निकल जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर रहेगा। ये भाई कोई शॉर्टकट है धोबिया आश्रम जाने का इनके गाँव से, तुम लोग इधर से निकले रहे हैं, और जंगल जंगल से पूरा लग रहा है देखने में। देख अजय पूरा जंगल, ये एरिया कितना यार बढ़िया है यार। तुम मॉर्निंग वॉक पे आते धीरज? अरे आते हैं। ये देखो इतना बड़ा भाग आ गया, यहाँ टूर्नामेंट होता है, भूख जाता है, बहुत मजा आता है, तुम आना कभी। और लाल देव आ रहे हैं सामने से, चली चली तेरी लाज। लाइक करने का भाई, यहाँ पे उतर ले क्या? अरे उतर रहे हैं, रुको रुको, यहाँ से तो निकल जाएगी अभी पहले। थोड़ी सी रास्ता और खराब हो गई गाइस, यहाँ पे कच्ची रास्ता आ गई है। जैम भाई बाइक लेके आ रहे हैं, प्रॉब्लम महज हमारे जैम भैया, इनका खेत है, ये इनका खेत है, इसमें प्याज बोया गया है। प्याज नहीं है यार, क्या है, क्या है ये? धान है भाई इसमें। अच्छा धान, ओके धान है ये। काफी फन हो रहा है गाइस गांव में, मजा आ रही है, रियल फन तो इनका आ रहा है पीछे वाले का। भाई ये कहाँ ले आया तुम धीरज, ये कहाँ ले आया धीरज, ये क्या है जैम, ये क्या है सामने? देखो गाइस मैं एक्सप्लोर करता हूँ हरदोई के जंगलों को, अभी यहाँ से भी निकालनी है, आराम से ब्रो, टेक इट इजी मैन। ओके ये देखो, ये वाह क्या पहिया राउंड कर रहा है, वाह क्या पहिया मस्त राउंड कर रहा है, ये देखो ड्राइवर है यार, ये मानना पड़ेगा भाई। नहीं भाई वो एक्सपीरियंस हो ही जाता है, ये देखो ये देखो, ये फंस गई फंस गई फंस गई, अरे वाह वेरी गुड। धीरज कहाँ तुम ले आए? इधर किनारे से निकाल लो, हाँ इधर से। ये देखो भाई पीछे का टायर कैसा राउंड कर रहा है, भाई क्या खतरनाक रास्ता है ये। कम ऑन कम ऑन जैम, फिर आ गया बांस आगे, बस करो भाई, बांस तोड़ दिया भाई। ये कैसी रास्ता है धीरज, तुम यार कहाँ से ले आए? देखो ऐसे बांस गया ये, ऐसे 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 टूट नहीं रही, तो छोड़ दो उसको, अरे आराम से ब्रो। भाई बहुत टफ है यहाँ से बाइक निकालना, बहुत टफ है। देखो लेफ्ट वाला पैर तो गया इनका पानी में, बच गया बच गया बच गया। ओके ओ फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई ब्रो, फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई, अरे वाह निकल निकल, वाह 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 भाई, वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल है भाई, इसीलिए तो हमने चला रहे हैं भाई। ये कैम जो एरिया है ना, ये मतलब काफ़ी सुनसान एरिया है, एक तो पूरा जंगल जंगल सा है। यहाँ जानवर भी है क्या धीरज? जानवर नहीं है यहाँ पे, गन्ने खेत वगैरह हैं तो मतलब खेती वेती होती है यहाँ पे, तो जानवर तो नहीं आ पाते। देखो ऐसी रास्ता है, ये देखो कितनी पतली से रास्ता वहाँ पे, बस इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए अच्छे से। भाई जैम तो गया बाइक लेके, और हम लोग अभी पीछे बहुत रह गए ना, हम लोग स्टोरी बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इस चक्कर में वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। गाइस ऐसी जगह पे ब्लॉग बनाने कोई नहीं सकता मेरे अलावा सिर्फ, क्योंकि हम जहाँ जा सकते हैं हम वहीं जा सकते हैं, अच्छा लगता है जगह पे आना, इसलिए यहाँ पे आ गए। देखो भाई पूरा जंगल वाला एरिया है भाई के गांव में, यार बहुत ख़राब रास्ता है भाई, आगे भी ऐसी है क्या? धीरज तुमने कहा था रास्ता अच्छी है, फाइनली भाई खेतों के बीच से होते हुए हम लोग आ गए यहाँ पे, जहाँ पे जैम खड़े हैं बाइक लेके। इधर चलना राइट, अभी पूरा 1 किलोमीटर तक बता रहे हैं इसे, ये बताओ इतनी ख़राब रास्ता पे ले आए। अरे ये क्या हो रहा है, अरे
भाई इस बार ना बहुत बुरी फंस गई है। इस बार ना भाई पूरा पूरा टायर चला गया पानी में, पूरा टायर। अब धीरज धक्का लगाएगा। गाइस आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताना। वाह धीरज कम ऑन, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निकल गए निकल गए निकल गए। धीरज के पैर खराब हो गए भाई। ओ भाई ये क्या है। आ जाओ भाई यार, इतनी ख़राब रास्ता हम ले आए धीरज हमारे। मज़ा आ रही है फुल एडवेंचर भाई, कब पहुँचेंगे। भाई साहब अगली बार से ऐसी रास्ते पे नहीं आना है भाई। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, तुम्हारा पैर पानी में जा रहा है इधर वाला, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तुमको। ओह ओ अरे बंद हो गई। बड़ा 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 बड़ा, अरे ओ भाई साहब, अरे मेरे ऊपर आ रहा है। अरे सॉरी भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लगा 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 लगा, वेरी गुड वेरी गुड, निकल गई। कोई बात नहीं, चलो बढ़ा लो। हाँ सूख जाएगा तब साफ हो जाएगा। देखो भाई कैसी कैसी रास्ते हैं, इतनी सारी बकरियाँ आ गई। चलो 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 चलो, अरे अरे ना बजाओ, वो अपने आप साइड हो जाएंगी। चलो 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 जैम, हाउस द जोश, जोश इज डाउन। ओ भाई अरे अरे अरे, बस थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज़ आप लोग, भगदड़ मच गई गाइस भगदड़। आ जाओ भाई, अब धीरज कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस आगे रोड। फिलहाल भाई अभी आने वाले हम लोग मेन रोड पे, इतना बड़ा ही पीपल का पेड़ लगा हुआ है। चलो भाई फिलहाल मेन रोड तो आ गई है, थोड़ी ठीक लग रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है बस ठीक है। तो देखो कितनी मस्त भैंसियाँ नहा रही बॉम्बे में। हेलो गाइस, अरे नंगे नंगे खड़े यार तुम तो। भाई साहब वाह यार वाह, व्हाट अ लोकेशन यू नो, भैंसियों भैंसियों का बम्बा है ये देखो भाई। ये देखो भाई पूरी गर्मी से राहत पा रही वैसे यहाँ की। तो गाइस यहाँ पे आप इस गांव में कटिया डाली जा रही कटिया। भाई बहुत मेहनत के बाद पहुँच गए फाइनली तपोवन सिद्ध आश्रम, धोबिया आश्रम। ओके गाइस अब ये गांव है धोबिया वाला, अंदर बस पहुँच रहे हैं। तो भाई फाइनली आ गए हैं धोबिया आश्रम के बिल्कुल भी पास में, और बस यहाँ से बस 100 मीटर होगा मेरे ख्याल से। कितनी हरियाली वाला एरिया है, तो जंगल में ना बारिश के टाइम पे और हरियाली आ जाती है। ये देखो यहाँ पे फैमिलीज भी आती है गाइस, यहाँ पे सेल्फी वेल्फी लेने के लिए इस तरीके से। बड़ो शर्मा गए हमको देख के, कोई बात नहीं। रास्ता देखिए गाइस, रास्ता वाह क्या रास्ता है, वाह वाह वाह। यही है रास्ता, ये नहीं उधर की थी, बस यहीं रुक दो हम उतर लें। जेम ब्रो कैसा लगा आपको इस तरीके से बाइक चला के आज? इनकी बैटरी लो हो गई पूरी तरीके से। देखो भाई यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ तो लग रही है, क्या हुआ जैन? पैर मत लेना, ले ले यार क्या सांप। अब यहाँ पे काफी लोग आते हैं दूर दूर से ऐसी बारिश में भी। ये देखो ये भाई साहब, भाई ज्यादा गहरा तो नहीं कोई हमको भाई, थोड़ा सा बस तुम्हारे कान तक आ जाएगा इतना गहरा है। चलो चलो जीने चलो जीने पे, तोड़ डाला लोगों ने यार। चलो भैया ये भाई यहाँ का तीरथ है, यहाँ से परमानेंट से पानी निकलता रहता है, बस यही जैम को देखना था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और बहुत गहरा है भाई, ज़्यादा आगे मतलब डूब जाओगे। ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है इस तरीके से, वो है ना नेचुरल, वो स्रोत है वहाँ से परमानेंट पानी आया करता है। वो खींच लेगा मेरे को? नहीं खींच नहीं लेगा, मछली पड़ी है उसमें, मछली दिख रही है आपको, बड़ी सी मछली पड़ी है उसमें। तो यहाँ पे ना परमानेंट पानी निकला करता है अपने आप से, है परमानेंट नहीं रहा है भाई पानी, बढ़ता नहीं अपनी स्पीड में रहता है वहाँ से, वो कम ज़्यादा नहीं होता और बिल्कुल साफ पानी आता है। तभी उन्होंने अपना बुआड़ आड़ चलाया होगा। यहाँ मुँह धुल्लो को दिक्कत नहीं, घुसना नहीं घुसना नहीं घुसना नहीं, ऐसे धुल्लो ऐसे, तो उधर साइड को जाना पड़ेगा। हाँ भाई इतना ठंडा पानी, हाँ देख चुके हैं इतना ठंडा पानी है भाई, इतना ठंडा। डाली कितना? हाँ डाल दी किसी ने, बड़ी होगी इसी के अंदर। बहुत ठंडा पानी है, एकदम साफ पानी, नल से भी साफ। पी लो पी लो पी लो। वेव स्टार्ट करें? वेव ना बनाओ, काफ़ी अच्छा भाई एरिया वाला लगता है भाई। आपको ये कुंड तो दिखा दिया, एंड इधर सा सब पूरा ये जंगल जंगल वाला एरिया है, एंड यहाँ पे देखो इस तरीके से पानी बहता हुआ जा रहा है, बिल्कुल स्वच्छ पानी यहाँ से निकलता है और परमानेंट निकलता रहता है, कभी बंद नहीं होता साफ पानी। कितना बढ़िया वाला एरिया है भाई सच्ची में यार।
आगे लोग खाना ना बना रहे हैं कुछ, यहाँ पे कैंपिंग करने आए हैं क्या? हेलो दोस्तों मेरी हालत देख लो। तेज बोलो भाई। हेलो दोस्तों मेरी हालत देख लो, मैं सुअर बन गया हूँ। वाह 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 वाह। पिछली बार भाई जब यहाँ पे आ जाता, हम इस पेड़ पे चढ़े थे पूरा वहाँ तक, अस्मित भी था हमारे साथ में और काफ़ी मज़ा आई थी। इस बार ये लोग हैं तो यहाँ रोहित भाई पेड़ पे चढ़ते हुए हैविंग फन। Enjoying Dhubia's wife. कर रहा हूँ। Look at that. पानी है नीचे, गिर ना जाओ। पानी कहाँ है? ये पानी है। प्याज बहुत है। प्याज बहुत है। तमीम। अभी दूसरे एरिया में आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह लगी हैं टेंट वगैरह लगा के पन्नी डाल के, तो वो दुकानें आपको दिखाते हैं। मिठाई की होंगी मेरे ख्याल से, और क्या बिकेगा यहाँ पे। कितनी बड़ी लट गई है देखो ऊपर तक। ये भाई यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर धुबिया आश्रम का, और इतना बड़ा है, पीपल का पेड़ लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मतलब शांति, शहर से कतई दूर शांति, एकदम बढ़िया। अगर थोड़े खिलौने वगैरह मिल जाते हैं बच्चों के लिए, तो मतलब धीरज कुछ लेना तुमको? यार भाई मेरे तो बच्चे हैं नहीं, मैं। अरे तुम्हारे लिए, तुम्हें तो बच्चे हो। ये देखो भाई यहाँ पे इतनी भयंकर लैंडस्लाइड है, इतनी भयंकर, देख रहे हो इस तरीके से। और इसके ऊपर पेड़ खड़े हुए हैं, जड़ें पूरी दिख रही हैं पेड़ों की। चलें? चलो हो गया आज का। हाँ। चलो चलते हैं फिर। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ना 4:30 टाइम हो रहा है और बहुत ही जल्दी आज शाम हो जाएगी, क्योंकि बारिश का माहौल है। इस चक्कर में जय हम भी आज परेशान हो गए होंगे ऑफ रोडिंग करते करते, बहुत भयंकर थी भाई। भाई अभी ना सबको ड्रॉप कर दिया अपने अपने घर पे, एंड हम भी ना अपने घर के पास ही आ गए हैं, और काफ़ी मज़ा आई आज, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो छोटी छोटी ट्रिप यहाँ पे एंड होती है गाइस। तो भाई आ गए अभी घर पे, और ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एंड क्या बताएं, मतलब आज जो किया, जैसी जगह गए तो हम ही जानते हैं भाई। कैमरे में आप लोगों ने तो नहीं देख पाया होगा सब चीज़ें, तो ये था भाई। और कैसा लगा ये वाला व्लॉग, आप लोग कमेंट करना इसके बारे में, बताना कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगली ट्रिप ना कहीं और की रहेगी, वो बहुत तगड़े व्लॉग आएंगे। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी दिन अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।